ये हमारा घर। आपका मेरे घर में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू मिश्री। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपका मंदिर माही मिल गई। ये मिश्री जो है ना, ये हमेशा आप ही की बातें करती है। पूरी तमीज ई रीता मिस ओ चलता ही रहता है। रियली एक्चुअली मिश्री भी मेरी फेवरेट स्टूडेंट है। पूरी पूरी गंगा मैया है मिश्री, सुना तुमने? अच्छा हुआ आप लोग मिल गए। मुझे ना मिश्री के पेरेंट्स से कुछ बात करनी थी। वो चिल्ड्रंस डे फेस्टिवल है ना, उसी सिलसिले में। बाल दिवस है। हाँ हाँ। हमारे मापू और बाबू भी आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे रीता मिस। हम अभी उनको बुलाते। बापू, मापू। लगता है ऊपर के माले पे गए। हाँ चलो जाके देखिए। आओ चलिए। क्या बड़ी माँ बुलाते। आइए आप बैठे हैं जी। हम आपके लिए कछु स्पेशल लेकर आते हैं। हाँ बापू, बापू, बापू को अंदर किसने बंद कर दिया? मुझे क्या हो गया? ये दरवाजा तुमने बंद किया था? बापू हमने नहीं किया, हम तो अभी ऊपर आए हैं। जरूर इरा ने किया होगा। कहाँ है तुम्हारी मापू? हमका भी नहीं पता मापू कहाँ है। हमने भी उनका बहुत आवाज लगाई थी, कहीं बाहर गई होंगी शायद। अरे तुम्हारी मापू को हो क्या गया है? अजीब अजीब कपड़े पहना रही है मुझे, मेरे ही कमरे में मुझे बंद करके चली जा रही। भूल से कर दिया होगा। अब चाहिए नीचे नीचे हमारी क्लास टीचर रीता मिस आई है। उनका आपके साथ हम स्कूल में होने वाले बाल दिवस के कार्यक्रम के बारे में कुछ बात करनी है। चलिए हमारे साथ। अब ठीक है, मिल लेते हैं। मैडम जी ये लीजिए, ये देसी घी क्या हम खुद अपने हाथों से बनाए हैं? नो नो सॉरी, एक्चुअली वेट पुट ऑन हो जाएगा। ओ कम ऑन पुष्पा, फॉर गॉड्स सेक, तुम्हारे हाथ से बने हुए देसी घी के लड्डू खाकर अपना वेट नहीं बढ़ाएगी। शी इज टू मेंटेन अ फिगर यू नो। हां इसे तुम किनोआ विद एक्सोटिक वेजिटेबल खिला सकती हो। या एग्जैक्टली। हैं आई विल टीच यू, कम ऑन, वी विल बी बैक, एक्सक्यूज मी। उनको लिए कछु बना के लाते हैं खाना वाना कौन है? अबे स्पैगेटी का बोल। रीता मिस ये हमरे बापू, ये हमरे क्लास टीचर रीता मिस। हाय। नमस्ते मैडम। नमस्ते। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। बैठिए ना, बैठिए। ओके। मिश्री कह रही थी कि उसके स्कूल में चिल्ड्रंस डे, उसके सिलसिले में आप कुछ बात करना चाहती हैं? एक्चुअली वो सेलिब्रेशन जो है ना, वो बच्चों के लिए सरप्राइज है। सरप्राइज? तो मैं मिश्री के सामने नहीं बोल सकती। मिश्री देखो बड़ी अम्मा क्या कर रही है। ठीक है बाप। आइए यहाँ आइए। बताइए क्या सरप्राइज है बच्चों के लिए? वो प्लान कुछ ऐसा है, हर साल तो चिल्ड्रंस डे पे बच्चे ही परफॉर्म करते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस बार थोड़ा चेंज किया जाए। लाइक यू नो बच्चों के पेरेंट्स। सॉरी वो पल्लू हवा की वजह से गिर गया था। इट्स ओके। हाँ तो क्या कह रहे थे आप, क्या कर सकते हैं? सिंगिंग, डांसिंग? आप कहें तो आपकी उंगलियों के इशारों पर नाच के दिखा सकते हैं हम। सिनोरिता आप हमारा टैलेंट आजमाना चाहेंगी आप? लेकिन अब कर क्या सकते हैं आप? अच्छा वो कहा है कि यहाँ लोगों का आना जाना बहुत है, ऊपर चलते हैं ना।
वहाँ हम प्रदर्शन करेंगे। चलिए चलिए आइए आइए। ओके। आइए आइए आइए। तो कहिए मिस्टर पांडे, क्या कर सकते हैं आप, क्या टैलेंट है? करने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं हम। जैसे आपकी काली जुल्फों को अपनी उंगलियों से संवार सकते हैं, बिना आपको छुए ही बता सकते हैं कि आप कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती हैं। गुलाब गुलाब। खैर छोड़िए, आप तो खुद ही एक चलता फिरता गुलाब है। और इतना ही नहीं, वो जैसे दो चुंबकीय शक्ति आपस में आकर्षित होती है ना, वैसे ही आपके अंदर कोनो चुंबकीय शक्ति है जो हम का आपकी तरफ आकर्षित कर रही है। मिस पांडे छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप? मैं मिश्री की टीचर हूँ, छोड़िए मुझे। तो हम भी पढ़ाई का शौक रखते हैं। पहली बेंच पर बैठकर आपको निहारते रहेंगे और जब आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए पलटेंगे ना, तो हम चौक के टुकड़े करके आपको टुक 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 पीछे मारा करेंगे। हाय हाय, बहुत मजा आएगा। मिस्टर पांडे, यू आर डिस्गस्टिंग। ये बजरंगी बिना कुछ काम का नहीं है। एक काम दिया है वो भी ठीक से नहीं हो रहा है। वक्त बीत रहा है और कब तक मैं अखिलेश को इस तरीके से बंद करके रखूंगी? अरे महापू, कहाँ चले गए थे आप? हम कब से आपका ढूंढ रहे? वो मैं यही बाहर दुकान में थी। क्या हुआ, क्यों थोड़ी सी मुझे? अच्छा हुआ दुल्हन तुम सही समय पे आई हो। वो मिश्री की स्कूल टीचर आई है। मिश्री की स्कूल टीचर घर पर आई है? कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है वो, कहाँ है? अरे वो, हाय हाय, अरे मोरी गंगा मैया, अभी तो यहीं बैठी थी, कहाँ गई? हाँ बड़ी माँ, हमका लगता है जरूर ऊपर बात करने गए होंगे। हाँ हाँ, वो गुल्लू से बतिया ही रही होगी बिटिया। कहीं अखिलेश मिश्री के टीचर के साथ? शर्मा कह रही, आपका नाम कपूर है? शर्मा नहीं है, एक बार हमारे पास आकर देखे, बिना टिकट काटे जन्नत की शहर कराते हैं और जन्नत में हम दोनों वहाँ।
अंडे। आपके हस्बैंड एक नंबर के घटिया, गद्दे, गिरे हुए और चीप चीप किस्म के इंसान है। मिश्री के कमरे में मैं कैसे आ गया? मुझे समझ नहीं आ रहा कोई अपनी बेटी की टीचर के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकता है। आखिर बच्चों में क्या लक्षण आएंगे जब उनके पापा ऐसी हरकत करेंगे? हाँ क्या हुआ? मिसेस पांडे, आपसे बात कर रही हूँ, कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं आप? बोलने के लिए बचा क्या है, सब कुछ तो खत्म हो गया। अरे ओ माय डैम, ये क्या बोल रहे हैं, क्या किया हमारे गुल्लू ने? हाँ मिस्टर पांडे मुझे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए कमरे में लेके गए और वहाँ पे उन्होंने मेरे साथ क्या बोले जा रही है? हाँ अपनी खुद की बीवी के साथ ना करे, तुम तो बहुत दूर की बात हो। शरा, बिल्कुल ठीक बोल रही मैं। अरे आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मिस्टर पांडे मुझे कमरे में लेके गए, अपनी तरफ खींचा, मुझे कमर पे यहाँ हर जगह हाथ लगाए हैं और इतना ही नहीं, गंदी गंदी चीप बातें कर रहे थे। हाय हाय। व्हाट? ए गुल्लू, मैंने आपके साथ बदतमीजी की है? ये कैसी बातें कर रही हैं आप? और शर्म नहीं आती आपको? मेरी मेरी बीवी यहाँ पर है, मेरी बच्ची यहाँ पर है, पूरा परिवार यहाँ पर है, उनके सामने आप ऐसी बातें कर रही हैं? अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं? आप मुझे अपना टैलेंट दिखाने कमरे में लेके गए थे, पर दरअसल ना आपके अंदर कोई टैलेंट है ही नहीं सिवाय घटिया और चीप बातें करने के। खबरदार, जो मेरे पति के बारे में ऐसी बात की तो कैसी औरत हो तुम? तुम्हें तो मैं सीधा करती हूँ। चलो आ जाओ। काहे गुल्लू? हाँ कछु नहीं कि हम काहे ऐसा सब करेंगे। प्लीज प्लीज, अखिलेश की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। एक्चुअली उसे एक मेडिकल कंडीशन है जिसके बारे में वो खुद भी नहीं जानता। मेडिकल कंडीशन? हाँ वो आई प्रॉमिस मैं आपको सब कुछ डिटेल में बता दूंगी, लेकिन इस वक्त प्लीज कोई सीन क्रिएट कीजिए, प्लीज यहाँ से चले जाइए। पर ऐसे आदमी को मैं आपसे माफी मांगूंगी ना, प्लीज मैं आपके सामने हाथ छोड़ रही हूँ, प्लीज। ओके थैंक यू, सॉरी। चलो बाहर आओ। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसे ऐसे भले आदमी पर इल्जाम लगाते हुए। राम का अवतार है वो, राम भगवान, राम जी, समझिए आप। तो चलिए निकलिए यहां से, गेट आउट। डिस्गस्टिंग। सही बोली। तुमने उसे जाने क्यों दिया? मिश्री, तुम्हारे स्कूल में ऐसी टीचर्स पढ़ाती है तुम्हें? आई की फेवरेट टीचर है। ऐसा बेवजह इल्जाम मुझ पे लगा रही है? मैं अभी उसे रोकता हूँ और आमने सामने बैठकर सारी बातें क्लियर करते हैं। अखिलेश, कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसी घटिया औरत के आसपास दोबारा मंडराओ। मेरा मतलब है कैसी औरत थी वो, दूर रहो तुम उससे, ठीक है? फिर से तुम्हें देखेगी और ऐसी घटिया बातें करने लग जाएगी। चलो 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 नीचे पूजा की तैयारी करते हैं। चलिए चलिए सब लोग चलिए। ओके। दुल्हन हमका जरूर लगता है असर हुआ है। हाँ असर, कुछ असर बाद में बताते हैं। चलो एक है जी, तुम फेवरेट टीचर है। चलो
डॉक्टर ईरा, डॉक्टर बजरंगी आंख। आपके पति की समस्या का इलाज मिल चुका है। सच? मुझ? एक मिनट। डॉक्टर ईरा, इसे कहते हैं स्पेशलाइज्ड लोकेशन ट्रैकर। इस ट्रैकर की बदौलत आप अपने पति को सोते जागते इधर उधर हर जगह पे ट्रैक कर सकती हो। डॉक्टर ईरा, प्रोसेस बहुत सिंपल है। एक ट्रैकर आपको पहनना है और दूसरा ट्रैकर आपके पति को पहनाना है। ट्रिंग ट्रिंग। कोई सलूशन होता है? अरे डॉक्टर हो या घड़ी बेचने वाले सेल्समैन। डॉक्टर ईरा, समझने की कोशिश कीजिए। क्या है कि फॉर्मूला पे काम चल रहा है, थोड़ा टाइम और लगेगा, तब तक इस टेम्पररी सॉल्यूशन से काम चला लीजिए। है कि कम से कम आप अपने पति पर नजर तो रख पाएगी। ठीक है, दे दो। हाँ, ये लीजिए। हाँ, बाय द वे, इट्स दो ट्रैकर्स के 20,000 rupees ओनली। एक चप्पल का 10,000 है, दो दे दो। नहीं नहीं, ठीक है, फ्री में दे रहा हूँ आपको, यूज कीजिए, काम आएगा। चलो जाओ यहाँ से, और तभी आना जब ये खुद ने जो प्रॉब्लम क्रिएट की ना उसका सलूशन। मेरी क्यों है प्रॉब्लम का? ओके डॉक्टर ईरा, नो प्रॉब्लम, मैं जल्द जाता हूँ और जल्द आता हूँ। बाय। लगता है फिलहाल इसी से काम चलाना पड़ेगा। इस यंत्र की सहायता से क्या ईरा हमारे भक्त के अंदर उमड़ रही भावनाओं को काबू कर पाएगी? कितना कारगर साबित होगा ये यंत्र, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए जय सियाराम। राम